जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ गया हूँ प्रो कबड्डी लीग का एक और मैच लेकर। आज के दोनों मैचेस की ये दूसरी वीडियो और दूसरा मैच हम कवर करने वाले पुनेरी पल्टन वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स का। सबसे पहले आपको ये करना कि मेरा टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट सर्च करके क्रिकेटोलॉजी के नाम से चैनल आएगा, आपको जुड़ जाना है चैनल पे। और ध्यान रखें, ओरिजिनल चैनल से जुड़े यही सर्च करें, और ये सर्च करके जो चैनल का नाम आए क्रिकेटोलॉजी के नाम से उसी को ज्वाइन करें। फर्जी चैनल्स बन गए हैं, लगभग सेम मेंबर्स के ही हैं काफी, वो फेक चैनल्स पे ना जाएं, आप फंसेंगे, पैसा लूटने की आपके साथ कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो उन दो कौड़ी जो दो कौड़ी के भालू भाड़ के टट्टू जो बोलते हैं वो हैं, लेव देम, आई विल टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल चैनल पर जुड़ना है और सीधा लिंक पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं ज्वाइन आपका टेलीग्राम चैनल। अब हम बात करते हैं इस मैच की, जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेज पुनेरी पल्टन। जयपुर अपना पिछला मैच हारा, क्लोज हारा, कारण था कि अर्जुन देसवाल को कोई सपोर्ट नहीं कर पाया, अकेले रह गए। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन को अभी अभी जीत का स्वाद मिला है गुजरात जायंट्स के खिलाफ, एक टीम जिसके डिफेंडर्स का नाम है परवेज भैंसवाल, गिरीश मारुति अरनाक, रविंदर पहल, वैसी टीम को हरा के आए हैं। और हरा के भी किसके दम पे आए हैं, युवा कंधों के दम पे, मोहित शेरावत और मोहित गोयत और असलम इनामदार के दम पे। मतलब राहुल चौधरी नहीं थे, पंकज मोहिते नहीं थे, हैं? और आपका कप्तान रोहित कुमार भी रेडिंग वेडिंग में कुछ है नहीं, केवल एज ए कैप्टन ही खेल रहे हैं टीम को, लेकिन एज ए कैप्टन बहुत बढ़िया चला रहे हैं वो टीम को। तो युवा कंधों के दम पे दारोमदार है पुनेरी पलटन का। अब देखो, अगर फॉर्म बरकरार रहती है तो मैच का दावेदार भी पुनेरी पलटन ही है, क्योंकि दीपक निवास हुड्डा ने वो रंग दिखाया नहीं है। अब डिफेंस में चले तो कौन, सोल कुमार, और रेडिंग में चले तो अर्जुन देसवाल। अब दो प्लेयर वर्सेस टीम, कहीं ना कहीं टीम भारी पड़ जाती है, इसीलिए इस मैच के जो विनर हैं वो पुनेरी पलटन रहने की संभावना है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अपना जो विनिंग विनर पे, मैच विनर पे जो बैट लगानी है वो बैट अड्डा पे वो लगानी है पुनेरी पलटन पे। बैट अड्डा का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में क्लिक करें और ज्वाइन कर लें बैट अड्डा को। जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा, बस ऐप ना ढूंढे क्योंकि अभी ऐप बनी नहीं है, अभी सिर्फ वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे ही खेलना है आपको। ठीक है, ध्यान रखें ये बात। दूसरी बात अब आ जाती है इस मैच के, कि इस मैच में क्या टीम आपकी हो सकती है स्मॉल लीग की, जिससे आप पैसा अच्छा खासा विन कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर टीम है, आप देखने जाए देखें, तीन डिफेंडर, दो ऑलराउंडर, दो रेडर। डिफेंडर कौन, मैं जा रहा हूँ फॉर्म के साथ, अब नाम के साथ मैं नहीं जा रहा। पुनेरी पलटन से मैंने विशाल भारद्वाज को मिस कर दिया, बहुत बढ़िया नहीं खेले। बलदेव और संकेत के साथ जा रहा हूँ मैं, बलदेव सिंह और संकेत सावंत बढ़िया काम करके दे रहे हैं, इसीलिए इन दोनों के साथ मैं जा रहा हूँ, और क्रेडिट में ही मेरे मैनेज हो रहे हैं। सोल कुमार मेरे तीसरे डिफेंडर हैं, मैं एस कुमार धुल के साथ नहीं जा रहा हूँ, मतलब बड़े नाम छोड़ रहा हूँ, फॉर्म के साथ जा रहा हूँ। और यही जो डिफेंस में है ना, आपकी टीम यूनिक हो जाएगी। जो नीचे चार प्लेयर रेडिंग में और आपको सॉरी ऑलराउंडर में और रेडिंग में दिख रहे हैं ना, वो सेम मिलेंगे सबके, एक को एक लोगों का, चारों प्लेयर खेलेंगे सबकी टीम में। कैप्टन, वाइस कैप्टन अर्जुन देसवाल, सबके कैप्टन मिलेंगे। वाइस कैप्टन किसी का इनामदार, किसी का मोनू गोयत, और किसी का हुड्डा। हुड्डा भी कम मिलेंगे क्योंकि पिछले मैच में नहीं चले, तो लोग उनको थोड़ा सा ऑफ ही करेंगे। इनामदार और मोनू गोयत सबके वाइस कैप्टन आपको मिलेंगे। ठीक है, कैप्टन आपका अर्जुन देसवाल सबके मिलेंगे, लेकिन डिफेंडर तीनों ये नहीं मिलेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। कोई विशाल भारद्वाज को लेगा, कोई एस कुमार धुल को लेगा, कोई रवि कुमार को लेगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा कि इन तीनों को, बलदेव सावंत और एस कुमार को सेट कर दे। तो यहाँ आपकी टीम यूनिक हो जाएगी विद क्रेडिट मैनेजमेंट। दीपक निवास हुड्डा फॉर्म में बेशक नहीं है, लेकिन बहुत लोग हो सकता है दीपक निवास हुड्डा को मिस भी करते हैं बड़े प्लेयर्स को लेने के लिए, लेकिन हम लेके जाएंगे क्योंकि यूटिलिटी प्लेयर है, 5-6 पॉइंट तो ऑफ गेम में भी दे ही जाते हैं। इनामदार बहुत बढ़िया खेले हैं, बहुत लाजवाब चले हैं, पिछले मैच में रेड में चल रहे थे, ऐसा नहीं नहीं चले, लेकिन मोहित गोयल चूंकि बढ़िया चल गए इसलिए इनामदार थोड़े फीके पड़ गए। हालांकि दोनों ने अपना लगभग लगभग सेम पॉइंट से ही दिए थे। इनामदार के साथ बेनिफिट ये है कि टैकल में भी पॉइंट दे जाते हैं, और टैकल के मिलते हैं 20 पॉइंट, रेड का मिलता 8 पॉइंट। इसलिए अगर मोनू गोयत दो रेड में बढ़िया भी पॉइंट दे गए इनसे, और उन्होंने एक टैकल भी कर लिया, तो भी बात वहीं आ जाएगी, इसलिए मेरे वाइस कैप्टन इनामदार है। और दो आपके रेडर अर्जुन देसवाल और मोनू गोयत, और देसवाल कैप्टन, इस पे शायद ही किसी को संदेह होगा कि क्यों। तो ऐसे करके आपकी ये स्मॉल लीग टीम बनी है। ग्रैंड लीग टीम आप बनाने जाओगे तो इसमें बदलाव आप कर सकते हो। बदलाव कैसे कर सकते हो, दीपक निवास हुड्डा को मिस कर सकते हो। ग्रैंड लीग में दीपक निवास हुड्डा के साथ आप दो ही चीज करिए, या तो उन्हें मिस करिए या उनको कैप्टन बनाइए, उनको एज ए प्लेयर ना लीजिए। मैं मेरा ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि
अगर आप कैप्टन बना ले जाएंगे तो भी बेनिफिट में रहेंगे, अगर आप मिस करेंगे तो भी बेनिफिट में रहेंगे उनके चलने और ना चलने के केस में। और विशाल भारद्वाज के साथ साथ एस कुमार धुल को फिर डिफेंस में आप डाल सकते हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए अगर ऑप्शन आप जाए तो मोनू को एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। इनामदार भी और अर्जुन देशवाल भी, तीनों वाइस कैप्टनसी के लिए भी बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। कैप्टन आप बदल लीजिए, स्मॉल लीग आप ड्रीम इलेवन पे ना खेलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ड्रीम इलेवन पे ना खेलें, क्योंकि ड्रीम इलेवन से ज्यादा कॉम्पिटिशन दुनिया की किसी वेबसाइट पे है नहीं, इसलिए ड्रीम इलेवन पे ना खेलें। आपको खेलना विजन इलेवन पर, विजन इलेवन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, क्लिक करें डाउनलोड कर लें। गूगल से सीधा डाउनलोड करने जाते हो रेफरल कोड एमएस राघव डाल देना, ठीक है, और जुड़ जाओ विजन इलेवन पे। कम एंट्री में सेम प्राइज मनी है, पहली बात ये फायदा है। दूसरी बात जो फायदा है वो ये है कि आपका कम एंट्री में सेम प्राइज मनी होने का फायदा है, पैसा बचता है, यूजर कंपटीशन कम है, अभी उतने यूजर नहीं है तो कंपटीशन कम है, विनिंग परसेंटेज आपकी बढ़ जाती है, क्रेडिट का कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे 100 क्रेडिट में टीम बनी है, वहां आप और बड़े प्लेयर्स को भी ले सकते हो, क्रेडिट वहां आपके बचे रहेंगे, तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। मेरी बात इस वीडियो में खत्म होती है, मैं आपसे मिलता रहूंगा अगले मैचेस के साथ, फिलहाल के लिए इजाजत दे दीजिए। प्रो कबड्डी के पहले मैच की और बिग बैश के मैच की भी वीडियो आ चुकी है, देखें, अपना लाड़ प्यार दें, टेलीग्राम पर जरूर जाना, इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हम चलते हैं, कमेंट जरूर करते जाइएगा वीडियो कैसी लगी। टाटा बाय बाय, जय माता।